बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ अर्शी एक्सपर्ट ड्रेसेस में। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेडीमेड कुर्ती में स्लीव लगाने का तरीका क्या है। रेडीमेड कुर्तियाँ जो होती हैं वो इस तरीके से आर्म होल पे इस तरीके से पाइपिंग बनी होती है और साथ में हमें ये स्लीव दी जाती हैं। अब हर कोई स्लीव बगैर का शर्ट पसंद नहीं करता, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप रेडीमेड कमीज में आस्तीनों को जो है वो लगा सकते हैं। अब स्लीव्स को लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप देखें कि ये आपका जो ये आर्म होल शर्ट का बना हुआ है उसके मुकाबले में आपकी स्लीव जो है वो कितनी है। ये देखें, हमारी जो स्लीव की जो गोलाई है वो हमारे आर्म होल से थोड़ा ज्यादा है। अगर आपका आर्म होल और स्लीव की जो गोलाई है दोनों बराबर हैं तो फिर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अटैच कर सकते हैं स्लीव को। और अगर आपकी स्लीव की गोलाई इस तरीके से ज्यादा है तो इसके फिर स्लीव अटैच करने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपनी स्लीव को इस आर्म होल की गोलाई के मुताबिक इस तरीके से पहले अंदर की साइड पे थोड़ा सा फिटिंग कर लें ताकि आपकी स्लीव जो है बिल्कुल बराबर होके इसमें अटैच हो सके। और इसके अलावा एक तरीका ये है कि आप ये ऊपर की साइड पे थोड़ी सी प्लेट्स बना के अपनी जो ये गोलाई है इसको आर्म होल के बराबर करें। तो आज हम प्लेट्स वाला मेथड करेंगे और स्लीव को अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम पहले अपनी जो ये गोलाई है उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पे पहले निशान लगा लेते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इस तरीके से आर्म होल को इस तरीके से रखें और ये अपनी जो स्लीव है इसको इस तरीके से रखें। देखें, इस तरीके से बराबर रखने के बाद अब जो ये ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है वहां पे आप एक आगे की साइड पे निशान लगा लें और एक इस तरीके से पीछे की साइड पे निशान लगा लें। तो ये देखें, ये इस तरीके से हमारा इतना कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा है। तो अब हम ये करेंगे कि पहले यहाँ पे छोटी सी 3 से 4 प्लेट्स दे देंगे और फिर हम अपनी जो स्लीव है इसको अटैच करेंगे। तो चलें हम अपना स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अब सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ हम थोड़ी 3-4 जितनी प्लेट्स आती हैं वो हम कर लेते हैं। छोटी बड़ी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी 3 प्लेट्स आई हैं। अगर आपका कपड़ा ज्यादा है तो आप ज्यादा प्लेट्स बनाए। अब मैं इसको अटैच करूंगी अपनी शर्ट में। इसमें जो है फिटिंग की सिलाई भी की होती है तैयार स्लीव में। तो अब हम पहले शर्ट को उल्टा करेंगे। ये देखिए, ये हमने शर्ट को उल्टा किया। अब ये जो स्लीव है इसको हम अपने इस आर्म होल के अंदर डाल देंगे। ये जो सिलाई है कमीज की फिटिंग की उसको आप इस तरीके से रखें और स्लीव की भी जो फिटिंग की सिलाई है उसको इस तरीके से रखें और स्लीव को इसके अंदर डाल दें। ये देखिए, अब दोनों जो सिलाइयां हैं उनको इस तरीके से रखें। अब ये जो पाइपिंग है ये हमारी सिलाई के अंदर चली जानी चाहिए, नजर नहीं आनी चाहिए। तो जहां तक ये हमारी पाइपिंग है या आधे इंच की, तो हम आधा इंच कपड़ा अंदर डाल के सिलाई करेंगे। यहां से सिलाई शुरू करेंगे फिटिंग की सिलाई से और फिर पूरी स्लीव को अटैच करते हुए यहां पे हम अपनी सिलाई खत्म करेंगे।
और ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी जो स्लिप है अटैच कर दी है। ये देखिए ये जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल ऊपर की साइड पे आ गई हैं। इस तरीके से हमने अपनी स्लिप अटैच कर ली। व्यूज इस तरीके से हमने आसानी के साथ रेडीमेड कुर्ती में स्लीव्स को जो है वो फिट कर लिया है और बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट तरीके से हमने अपनी स्लीव्स लगा ली है। आप अगर हिजाब और मेकअप में इंटरेस्टेड हैं तो आप माहिन फैजान यूट्यूब चैनल जरूर देखें, सब्सक्राइब भी करें। इसमें आपको नए नए तरीके हिजाब के मिलेंगे और ब्यूटी टिप्स मिलेंगी और इसके अलावा इसमें आपको मेकअप करने के आसान तरीके भी मिलेंगे और इसके अलावा इसमें रेसिपीज भी टेक्स रेसिपीज भी हैं। तो आप इस चैनल को माहिन फैजान यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।